अरा मुसलमानन ने तो फिर जीणी ऐसे नाते जो डुलता फिरता ने भी ऐसे मार रहा हड्डी हड्डी आई है छोरो तो कुछ भी ना इतनो लंबो तगड़ो हुआ कुछ ना इकट्ठा में हड्डी आई है मारा की नाश तो दे देता जलाता मा तो बेदर्दी पना सू। भाजपा सरकार जब से आप लोग आए हो आप लोग खुलेआम हमारी हत्या करा रहे हो, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे करा रहे हो, कभी लव जिहाद के नाम पे करा रहे हो, कभी दाढ़ी और टोपी के नाम पे करा रहे हो, कभी जय श्री राम के नाम पे करा रहे हो। हम इस वक्त घाटमिका गांव में हैं जो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जुनैद और नासिर जो दो लोग हैं वो इसी गांव के थे और उनकी मृत्यु हुई हफ्ते में पहले और उनकी बॉडीज़ जो हैं वो कल रात इधर आई हैं। उनकी फैमिलीज इस वक्त बहुत आक्रोश में हैं, बहुत दुख में हैं और वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन क्लेम कर रहे हैं। हम आए हैं यहाँ उनके परिवार से मिलने, जानने की आखिर उस वक्त हुआ क्या था और उनकी मृत्यु हुई कैसे। उस दिन वो लोग कहाँ निकले थे, कहाँ जाने के लिए निकले थे? वो उसे जो दूसरा लड़का उसके साथ गए वे ससुराल गए वे, और ससुराल में रास्ते में लेके नहीं, अब किसी ने वे कैसे कैसे बेदर्दी से मारे, अब जड़ा के मार दिए वे। सबको ऐसे ख्याल रखे हो, ऐसे तो कोई आदमी पूरा गांव में भी ना है जैसे वो पूरा गांव में है। जब मेरा अब मारो ऐसे ही बने मारो जिंदा नहीं चला। हड्डी हड्डी आई है छोरो तो कुछ भी ना इतनो लंबो तगड़ो हुआ कुछ ना इकट्ठा में हड्डी आई है मैंने बीण बीण के लाया बलोरा भी जमक जला दी मारा की नाश तो दे देता जलाता मा तो इतनी बेदर्दी पना सू इतना ये तो कितना बुरा इंसाफ करो है, कहा जुलम कर दिया से उनने। उसकी वाइफ फोन कर रही थी कि उसका फोन स्विच ऑफ, जुनैद की वाइफ फोन स्विच ऑफ बोल रहा था, तो उसने इजाउल नाम का व्यक्ति है उससे कहा कि जुनैद का नाम मोबाइल स्विच ऑफ बोल रहा है, वो क्या बात है क्या नहीं, वो मिल ही नहीं रहा हमसे। तो जाहुल ने कुछ भी छांट करी, फिर हमसे भी कहा क्या उसका स्विच ऑफ बोल रहा, फिर बहम सा होने लगा कुछ, तो हमने फिर और इनको गए हुए कितने घंटे हो गए थे उस वक्त? वो गए थे करीब 5:30 सुबह। हमने फिर दो आदमी चार आदमी चर्चा चली जावे सब कुछ कहाँ ने जुनैद कहाँ ने नासिर, तो उनकी छांट करी तो हमें तो खबर मिली कि वो तो किसी गुंडा और बदमाशों ने, और वो कोई पीरू का गांव है राजस्थान में जो जहां गए थे वहां, मतलब ये कि उनको बता लगी कि वो वहां से उठा लिया अपहरण कर लिया उसको। हम वहां भी गए, वहां शीशे वीशे टूटे मिले हमने, फिर हमारा और बहम हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई यहाँ वो लेके आए थे बजरंग दल वाले और उन्होंने उनका पैर तोड़ रखा था और एक रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, और भाई हमने उनको लेने से इनकार कर दिया, भाई इस स्थिति में आपको क्या हुआ है, इनको हॉस्पिटल ले जाइए। तो उसके बाद लोग भाई सरपंच साहब हॉस्पिटल देखो, फिर जी हम हॉस्पिटल गए आप फिरोजपुर और मांडीखेड़ा, हमें ये कहीं नहीं मिले। भरतपुर के गोपालगढ़ से अपहृत हुए दो व्यक्तियों की बोलेरो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू में मिली जली हुई हालत में, जिसमें दो शव भी जली हुई हालत में मिले। बोलेरो के तो वहां से कोई एसपी है वहां का, जहां जिस इलाका में वो बोलेरो जली है उसका कॉल आया उस गाड़ी मालिक के पास, गाड़ी कोई मालिक उसको प्रूफ निकाल के नंबर निकाल के उसने गाड़ी मालिक के पास कॉल किया कि आपकी कौन बोल रहे हैं, हसीन बोल रहा हूँ।
आपकी गाड़ी है कोई बोलोरो? हाँ जी है। कहाँ ने आपकी गाड़ी? नासिर चला रहा उसे, तो वो नासिर जो मरा ये चलाता था उसको, नासिर के पास है। भाई आपकी दो डेड बॉडी, हाँ एक तेरी बलोरा है, वो यहाँ जली हुई है और आप उसको देख लो। इनमें से एक टीम को FIR में नामजद एक व्यक्ति रिंकू सैनी को दस्तयाब करने में सफलता मिली, जिसे पूछताछ के लिए भरतपुर लाया गया। काफ़ी डिटेल्ड इंटरोगेशन उससे किया गया। जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे पास उपलब्ध थे, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस हमारे पास उपलब्ध थी, उसके आधार पर उसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया, इंटरोगेशन किया गया, और अब तक जो एविडेंसेस हमें मिली उसके आधार पर रिंकू सैनी का इस घटना में इन्वॉल्वमेंट प्रमाणित होना पाया गया, जिसके आधार पर आज रिंकू सैनी, जो फिरोजपुर झिरका का रहने वाला है, उसे इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। के साथ बंदे मीटिंग में आ रहा है, पुलिस खुद हाथ से हाथ मिला रही है, SP से हाथ मिला के वो बंदा घूम रहा है, DSP से हाथ मिला के वो बंदा घूम रहा है, हरियाणा पुलिस CIA उसको लेकर आती है यहाँ, खुलेआम ये गुंडागर्दी उठा रखी है। इस पे कब तक कार्रवाई होगी? कब तक ये आतंकवाद चलेगा? मेवात के 300 जवान जा चुके हैं, रकबर मार दिया गया, पहलू मार दिया गया, अखलाक मार दिया गया, जुनेद को मार दिया गया, मेरे ही गांव के मेरे ही चाचे इसी परिवार से उमर मोहम्मद को मार दिया गया, आज हमको इन दो भाइयों के साये को देखना पड़ा। कब तक चलेगा ये? गाय के नाम पे हमें अटैक किया जा रहा है। अगर कल को मैं चला जाऊं या वसीम भाई चले जाएं, मेरे पास कोई मुकदमा नहीं है, ना मैं इस मामले से लेना देना रखता गौ तस्करी से। अगर मैं चला गया, मुझे उठा लिया, मुझे जिंदा जला दिया, क्या पुलिस प्रशासन, होम मिनिस्टर, जितने लोग आए हुए हैं सारे यही कह देंगे आपके बच्चे कितने हैं? दो बच्चे और दो बच्ची हैं, दोनों को चलो हम एडिशनल SP की नौकरी देते हैं, 50-50 लाख रुपए देते हैं, एक एक सरकारी नौकरी देते हैं और उनके मुआवजे की मांग करते हैं। क्या मुआवजे की मांग पूरा होने से ये हत्या बंद हो जाएगी? ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है।